इस वक्त रीवा जिले के रानी तालाब से बड़ी खबर आ रही है, जहां बुधवार की देर रात 5 संदिग्ध प्रवासियों को पुलिस की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्वारंटाइन किया है। जी हम आपको बता दिए, 5 प्रवासी श्रमिक गुजरात से चलकर रीवा आए थे, जिन्हें बस वाले ने बेला और उमापाटन के बीच में उतारकर भाग गया था, जिसके बाद ये 5 लोग पैदल अपने गाँव की ओर जा रहे थे। इन लोगों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यह सभी उमरिया गाँव के रहने वाले हैं, जहाँ के बीती रात 4 लोग एक ही परिवार के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, पैदल या अपने गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान रानी तालाब में यह कुछ देर के लिए बैठ गए, जिसकी सूचना तत्काल मोहल्ले वालों ने सिटी कोतवाली पुलिस को दी। मोहल्ले वालों को कहीं ना कहीं संदेह था कि ये बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने इनसे पूरी जानकारी ली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन 5 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं रानी तालाब से, जहां 5 संदिग्धों को पुलिस की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने साथ ले गई है और क्वारंटाइन की है। इन 5 लोगों में महिला और पुरुष शामिल है। मोहल्ले वालों ने जब इन्हें संदिग्ध अवस्था में बैठे देखा तो उनके अंदर दहशत आ गई और आनंद फानंद में तत्काल इसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब इन 5 प्रवासियों से बात की तो इन लोगों ने बताया कि ये गुजरात से आ रहे हैं और इनको उमरिया गाँव जाना है। बस वाला इनको बेला और उमापाटन के बीच पे छोड़ के चला गया है। अब सवाल यह उठता है कि बस में कितने लोग सवार थे, उनके प्रशासन को पूरी लिस्टिंग की जानी चाहिए, उन सभी लोगों के मेडिकल परीक्षण कराया जाना चाहिए। बस वाले को इन सभी लोगों को लेके मार्टन स्कूल आना था, जहां इनका मेडिकल परीक्षण कराना था। उसके बाद पुलिस और प्रशासन इनको इनके गंतव्य तक दूसरे बसों से पहुंचाता, लेकिन इसके पहले ही गुजरात से लेकर आए बस संचालक ने इनको उमापाटन और बेला के बीच में ही छोड़कर वापस चला गया, जिसके बाद यह सभी श्रमिक पैदल अपने गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान रानी तालाब के लोगों ने इन्हें संदिग्ध अवस्था में बैठे हुए देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी थी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनको क्वारंटाइन कर इनका मेडिकल परीक्षण कराया है। अभी इनकी मेडिकल रिपोर्ट आना शेष है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर जो रीवा शहर के रानी तालाब से आ रही है, जहां 5 लोगों को संदिग्ध अवस्था में मेडिकल टीम अपने साथ ले गई है और इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आप लोग कैसे आए थे वहां से गुजरात? बस से, बस से। कहां उतरे थे? हमारे पाटन के इधर थोड़ा उतर, रीवा से 13 किलोमीटर पहले उतर गए थे। पहले उतर गए थे? हां पहले उतर गए थे। हां रीवा बस वाला ही उतर दिया। हां पाँच लोग थे आप लोग? हाँ पाँच लोग। कब आए हो? 7 को। कहाँ जाना है आप लोगों को? आप हो कहाँ के? उमरिया। उमरिया। 5 लोग, 3 और थे वो कहाँ के थे? दो लोग अनावश्यक बाहर पर हैं, सब अंदर रहना 1 मिनट के अंदर।